हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू योर रेडियो चैनल इजी एंड एफर्टलेस इकोनॉमिक्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, ये दिए हैं हेनरी फ्योल्स ने। साथ ही साथ आज हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है कभी भूल ना सकें। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, ताकि वो ट्रिक भी आप जान सकें और जब वीडियो ख़त्म हो आपको बिल्कुल याद हो जाए वो 14 प्रिंसिपल्स। तो पहले मूव कर रहे हैं और प्रिंसिपल को सामने, सबसे पहले जानते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। वो 1841 29 जुलाई पेरिस में उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ हुई है 19 नवंबर 1925। वो फ्रेंच ओरिजिन के थे, वो माइनिंग इंजीनियर थे और साथ ही साथ वो डायरेक्टर ऑफ माइंस भी थे, जिन्होंने डिवेलप की थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी, जिसे फ्योलिज्म भी कहा जाता था। वो उनका अगर कंट्रीब्यूशन कहा जाए बिजनेस में, तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है मैनेजमेंट में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहा है और उन्हीं ने ये फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। तो आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो ज़्यादातर आप लोग को मालूम ही है, लेकिन फिर भी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने 14 प्रिंसिपल्स हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, लेकिन जब हम याद करने को बैठते हैं तो हम जो क्या करते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं भूल जाते हैं या हमको ऑर्डर नहीं याद रहता है। तो आज हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, अब इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। वो ट्रिक है ये, बस आपको इतना याद रखना है, डैड USSR OIC। सो डी डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन। सो दैट USSR, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी, रेम्यूनरेशन। ओ ऑर्डर, आई इनिशिएटिव, एस सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इक्विटी एंड एस्पिरिट दी कॉर्प। सो ये है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उम्मीद है अब ये आप नहीं भूलेंगे, बस ये याद कर लिए, डैड USSR OIC। तो अब इस ट्रिक से आपको बिल्कुल ये याद रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। शुरुआत करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। देखो डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है कि वर्क को बांट देना, डिवाइड कर देना। डिवाइड करने से क्या मतलब है कि उससे जो किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, जो जिस चीज़ में एफिशिएंट है वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक चीज़ में अच्छे हैं, आपका मैनेजेरियल स्किल्स अच्छे हैं, दूसरे का क्या है वो ऑपरेशनल स्किल्स अच्छे हैं, तो अगर आपको ही सारा काम दे दिया जाएगा तो आपके लिए मुश्किल होगा और आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप वो को या ऑर्गेनाइजेशंस को ये देखना चाहिए कि जो जिस चीज़ में एफिशिएंट है उसको वही काम देना चाहिए। फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये कहा जाता है कि एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मतलब अगर आपको एक अथॉरिटी, एक जिम्मेदारी दी गई है, तो आपके पास एक राइट भी होता है करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा गया कि आपको ये काम करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको अथॉरिटेटिवली वो करवाना होगा। ये डोमिनेशन नहीं होगा कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, कह रहे हैं करो, नहीं, आप उनको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्योंकि आप ही लाइबल है। हमने आपको काम दिया तो हम आप ही से पूछेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने अथॉरिटेटिव होके ये काम अपने सबॉर्डिनेट्स और अपनी टीम से करवा सकते हैं। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती है और ये क्या करती है, क्लियर डायरेक्शन ऑफ वर्क प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि एक कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, सो आपको हर एक को रिपोर्ट नहीं करना है, आपको इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक पर्सन असाइन है कि ये आपके टीम लीडर है, आपको इनको रिपोर्ट करना है। आपको ये नहीं कि चार मैनेजर्स हैं तो आपको एक को भी बताना है, दो को भी बताना है, नो, आपको जो असाइन है, जो आपकी टीम लीडर है, जो आपके मैनेजर है, आप उनको इन्फॉर्म करिए। फिर आता है डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, और इसमें होता क्या है कि उनको अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट देना है और जो उनसे कहा जा रहा है वो फॉलो करना है। देखो कोई भी चीज़ वो अनएथिकल आपसे नहीं कहेंगे, या कोई ऐसी चीज़ नहीं कहेंगे जो मतलब बैन है या अलाउड नहीं है, वो ऐसी चीज़ कहेंगे जो उसकी ज़रूरत है। तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, इंस्टेड ऑफ लाइक नॉट अग्रीइंग ऑन थिंग्स, बेहतर है वर्क कल्चर में ये चीज़ होना चाहिए कि आप अपने सुपीरियर्स को इज्जत से बात करिए, वो भी आपको इक्वल रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि अगर कई सारे लोग एक जगह काम कर रहे हैं तो
जैसे कई सारे एम्प्लॉयज एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो सबका एक ही पर्पस है। इसका मतलब है कि आपका सबका डायरेक्शन, आप सबका पर्पस एक है, चाहे चार लोग हैं लेकिन आपका पर्पस ये कि हम लोग एक ही दिशा में काम करें, एक ही डायरेक्शन में काम करें ताकि ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कई यानी सबॉर्डिनेट्स हैं और कई सुपीरियर हैं, कोई जूनियर है, तो एक इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। आप यहाँ पे अपनी सुपीरियॉरिटी और ये सब ना दिखाइए। यहाँ एक डायरेक्शन है, आपको एक टास्क मिला है और आप सबको मिलके एज अ टीम वो कंप्लीट करना है। मतलब आपके पास एक डायरेक्शन है, आप सबको उसी डायरेक्शन को कंप्लीट करना है। फिर आता है इक्विटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। इक्विटी का मतलब होता है सारे एम्प्लॉयज को बराबरी से ट्रीट करना, किसी को ये ना फील हो कि उनको ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है या उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको ये महसूस होना चाहिए कि अगर हम काम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है, या अगर दूसरा नहीं कर रहा है कम तो उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है। मतलब एक इक्वालिटी, अगर आप ये फील करने लगते हैं वर्क कल्चर में कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट आपके साथ हो रहा है, तो फिर आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी वहीं से ख़त्म हो जाती है। तो ये जिम्मेदारी जो है मैनेजर्स की है कि उनको ये चीज़ का ख्याल रखना है। फिर आता है आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कलेक्टिव इंटरेस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जब भी मैनेजर्स कोई डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हित में या ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वन इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड, भाई सब पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो यकीनन बाकी सारे लोगों का भी फायदा होगा। तो अगर आप किसी एक शख्स का फायदा कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं हो रहा है तो वो चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तरजीह ना देते हुए या उसको ज़्यादा वैल्यू ना करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल और कलेक्टिव इंटरेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। फिर आता है ऑर्डर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें यह होता है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब किसी को कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं या कोई आप सेलेक्ट कर रहे हैं पर्सन किसी काम के लिए, आप राइट पर्सन सेलेक्ट कीजिए। राइट पर्सन का मतलब है कि जो उस काम में एक्सपर्ट हो, जो उस काम में माहिर हो, जो उसको अच्छे से कर सके। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का, या आप किसी को कोई काम दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, एक इम्बैलेंस ना क्रिएट करे, एक पॉजिटिविटी जो एनवायरनमेंट में हो वो मेंटेन रहनी चाहिए। वो डिस्टर्ब हो गई तो फिर वो वर्क कल्चर उसका गलत असर पड़ता है। फिर आता है इनिशिएटिव। अब यहाँ पे जिम्मेदारी फिर मैनेजर की है, उसको क्या करना होता है कि उसको ऐसे इनिशिएटिव लेना होता है कि जैसे जो एम्प्लॉयज को काम में और इंगेज रखें, वो उनको लगे कि कैसे वो अपने को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो अगर उनके पास काम है, उनके पास पता है उनको ये चीज़ें करके सबमिट करना है, इस तरीके से करना है, तो वो इंगेज रहेंगे, उनका दिमाग किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा, उनकी सारी एफिशिएंसी और सारी प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के ही काम आएगी। फिर आता है रेम्यूनरेशन। देखो भाई, रेम्यूनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्रॉपर पेमेंट होता है, आपको प्रॉपर बेनिफिट्स मिलते हैं, तो कोई भी शख्स वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ना चाहेगा। तो यहाँ पे ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको उनकी एफर्ट्स के हिसाब से पेमेंट किया जाना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहे, वो वहाँ आना चाहें, काम करना चाहें। उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे उनको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये है रेम्यूनरेशन। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा माहौल होना चाहिए कि एम्प्लॉयज को वहाँ सिक्योर फील हो, उनको लगे कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी और वो अपनी इफिशियंसी ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि वो और फिर सर्च करेंगे और ऑप्शंस। इसलिए ये जिम्मेदारी होती है मैनेजर की कि वो एम्प्लॉयज को टाइम दे एडजस्ट होने के लिए। उनको अगर नई पोजीशंस दी गई हैं तो उनको पूरी तरीके से बताए कि उनको क्या करना है, ताकि उनको लगे कि ये अब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसे पूरी तरीके से मुकम्मल या मुझे कंप्लीट करना है। फिर आते हैं स्केलर चेन। इसमें क्या होता है, देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में से आप जानते हैं बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसको आपको रिपोर्ट करना है। आप ये नहीं, हर एक के पास देखिए हायरार्की होती है कि आपको अगर आप ही हैं तो फिर बी को रिपोर्ट करेंगे, सी को करेंगे। तो आपको किससे जाके बात और किस तरीके की, अगर ये बात है तो आपको किसको इन्फॉर्म करना है, एचआर से बात करना है, फाइनेंस में बात करना है। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। स्केलर चेन जो होता है ये रेफर करता है बेसिकली क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन अपर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, ताकि उनको पता रहे अगर कोई भी बात है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो किसी और शख्स से कहने से कोई फायदा नहीं है। दे शुड नीड टू अप्रोच दी राइट पर्सन। फिर ये टर्म है स्पिरिट द कॉर्प। इसका क्या मतलब होता है?
ये बेसिकली बताता है द प्राइड एंड लॉयल्टी अमंग दिट्स मेंबर्स, मतलब कंपनी में जो हम लोग काम कर रहे हैं उनका मोराल, उन मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि उनको मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनका मोराल हाई रहे, वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। इससे क्या होगा, एक टीम बिल्डिंग एटीट्यूड डेवलप होगा, सब मिलके काम करना चाहेंगे, टीम की तरह काम करेंगे मोर देन एन इंडिविजुअल। भाई इंडिविजुअल तो सब काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि किसी वजह से आपको मोटिवेट किया जा रहा है, सब मिलके काम कर रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, आपकी लॉयल्टी भी उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ आप एक प्राउड भी फील करेंगे कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। फिर 14th प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, इसमें क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग होती है। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि डिसीजन मेकिंग जो है हर एक के पास वो राइट ना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन जब होता है तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। वो चाहती है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे डिसीजंस ले जो एक्चुअली बेनिफिशियल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए भी, और ऐसे इनिशिएटिव्स भी तैयार रखे कि इनकेस अगर कोई इमरजेंसी हो या बैकअप प्लान्स, वो सब भी रेडी रहें। तो ये है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद है ये प्रिंसिपल्स आपको समझ में आए होंगे। कोशिश ये की है कि बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं, जिससे आप ये समझ सकें, और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप किसी भी लेवल पर पढ़ रहे हो तो ये आपके पास ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो चलिए बस इसके साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। कोई और टॉपिक्स आप चाह रहे हैं हम कवर करें, ज़रूर बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माई साइड। हैव अ ग्रेट वीकेंड एवरीवन। गॉड ब्लेस।